अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पा राज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे हैं। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इन्हें लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है जिस समय समाजवादी विजय रथ गाजीपुर से चला था। गाजीपुर हम लोग पहुंचे थे सुबह से लेकर के शाम, और शाम से लेकर के रात, और सुबह जब लखनऊ पहुंचे थे, और जब रथ यात्रा समाप्त हुई तो उसके बाद सुनने में आया कि दिल्ली से 3 काले कानून वापस हो गए। कोई कुछ भी कहे, हम बधाई देते हैं देश के किसानों को जिन्होंने उस आंदोलन को चलाया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का जो गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी, जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए, और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं, और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है, इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं, इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके SDM, इनके DM, इनके कप्तान ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है, जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं, जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिसकर्ता धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके, और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के गए आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा का पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के लिए जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए जिस समय बंगाल में चुनाव था, और बंगाल में जब चुनाव हुआ था दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टालिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पर भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके घर पर छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं, सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था, हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां का खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था,
लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमें नौकरी करनी है इसलिए हम मजबूरी में आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, और मैंने कहा भी है ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं, ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं, कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है, कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है, ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा, इस बार भी यहाँ की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को, ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। कॉर्डलेस ही दे दो, कॉर्डलेस, कॉर्डलेस, कॉर्डलेस दे दो आप, कॉर्डलेस दो। ए, जिस पेड़ पे तुम बैठे हो ये कोई प्रेस वाला भी नाम नहीं बता पाएगा इस पेड़ का। अगर कोई जानता हो तो वहीं खड़े होकर पूछिए, थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा औरों को भी दिखाई देता रहेगा तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस समय और उनके पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर वन ही है, झूठ बोलने में नंबर वन है। और कहीं ना कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय। और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई? जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे? जब से ये पिछला छापा पड़ा है तब से आपके लगातार बयान आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, कि पीजेन का कंफ्यूजन हो गया, जाना था उधर चले गए उधर। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा प्रेरित हो गए कि चलो अब उधर ही चलते हैं, भूल सुधार लेते हैं? कन्नौज का इत्र का व्यापार सच के फूलों से चलता है।
कन्नौज का इत्र जो व्यापार है वो सच के फूलों से चलता है। इस बार झूठ के फूल को सबक सिखाने का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे। अखिलेश जी, भाजपा से सवाल पूछा गया कि आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो एजेंसीज हैं उनकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। पहला सवाल ये, दूसरा आपको क्यों लगता है सर कि बार बार एजेंसीज को ऑपोजिशन पे? मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि कानपुर में जिसके पास इतना नोट निकला, भारतीय जनता पार्टी ये बताए किन बैंकों से पैसा निकाला गया और किन बैंकों की उस पर ठप्पा लगा हुआ है, जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती है, और ये सूचना किसने दी है? आप उनका खुद का एक्ट पढ़िए, उनके विभाग का, आईटी डिपार्टमेंट का। क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें सूचना दी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका? और अगर समाजवादी पार्टी से संबंध है तो वो हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी से कैसे संबंध है। और हम ये कहते हैं कि उनका सीडीआर सार्वजनिक किया जाए। जिस समय सीडीआर सार्वजनिक होगा पूरे देश और प्रदेश की जनता जान जाएगी कि आखिरकार किससे उनका संबंध है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से संबंध बता रहे थे वो ये बताएं कि आधार क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के देश के होम मिनिस्टर से लेकर के देश के उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर के और छोटे छोटे नेता भी, वो भी यही बात कह रहे थे कि कन्नौज का इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई दुनिया में, देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने खिसिया करके, ये खिसिया के छापा मारा है कि कम से कम यहाँ तो छापा मार करके कुछ बदनाम कर लें। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कोरोना पे सर, कि कोरोना को लेके आपके क्या विचार है? क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बोला कि पार्टियों ने हमें ये बोला कि चुनाव समय पे होने चाहिए, कोरोना गाइडलाइन क्या करते हुए, देखिए अभी क्या विचार है सर? वो अभी विषय पे बदलिए मत, आपको भी ये विषय मत बदलिए, विषय है इत्र वाला। इत्र से न जाने कितने परिवार जुड़े हुए हैं। इत्र का कारोबार छोटा मोटा कारोबार नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि समाजवादी सरकार होती तो इत्र के व्यापार का डंका दुनिया में बजता, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां पर परफ्यूमरी पार्क बन रहा था, परफ्यूमरी म्यूजियम बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी को यह शिकायत है कि इत्र उनके नाम पे क्यों नहीं बन रहा? जो दुर्गंध फैलाते हो, जिन्हें बदबू पसंद हो, उन पे क्यों कोई इत्र बनाएगा? उन्हें शिकायत इसलिए है कि समाजवादी लोगों ने या समाजवाद की पार्टी से जुड़े हुए लोग कोई इनोवेटिव काम क्यों कर रहे हैं, कोई नया काम क्यों कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी पर इत्र कैसे बना सकता है? ये शिकायत है उन्हें कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर इत्र क्यों बना दिया, समाजवादी इत्र क्यों बन गया, अखिलेश जी के नाम पर इत्र क्यों नहीं बन गया? वो चाहते थे कि बधू वाला इत्र उनके नाम पर बन जाता कोई पहले। आपने कल, इसलिए इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल, इस बार कन्नौज से इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की और आज छापा पड़ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या बताया आपने? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी और आज पुष्पराज जैन के घर पे छापा पड़ गया। ये वैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे पे डिपार्टमेंट चलता है, ये सहयोगी दल है उनके, ये नया गठबंधन है। ये इसलिए नया गठबंधन है कि पिछली बार इन्होंने जिन जिन दलों को सपने दिखाए थे, आप याद कीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जब पहला कार्यक्रम उनके साथ हुआ तो मैंने ये कहा था कि इन्हीं के माध्यम से दरवाजा खोला गया था, इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और सिटकनी लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी हाल ही में निसार समाज को धोखा दे करके इन्होंने लखनऊ बुलाया और निसार समाज को यह बताया, निसार केवड़ मल्ला बाथम और इन समाज के लोगों को बताया कि आपको आरक्षण मिलेगा, आपको आरक्षण दिया जाएगा। घर घर जाके समझाया बीजेपी के लोगों ने कि आपको आरक्षण मिलेगा, और जब आरक्षण उन्हें नहीं मिला तो सोचिए वो मंच पर जहां पर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो ये कह के गए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम निसार समाज के लोगों को, केवट समाज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाजों को आपने पहचान लिया और इस बार आप जो नारा दे रहे हैं आरक्षण नहीं है वोट नहीं, तो ये नारा और बुलंद कीजिए। अखिलेश जी सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने अलायंस किया एजेंसी से
इलेक्शंस को लेकर, तो सर उसका कैसे आप उसको फेस करेंगे? सर छापे आए दिन चल रहे हैं, आपने कहा कि अलायंस है, एजेंसीज अलायंस कर रही हैं इलेक्शन में, आप किन से अलायंस करेंगे सर? ये छापे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए, जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आज उन्हें यह बताना चाहिए कानपुर में कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है तो नोटबंदी फेल हुई है कि नहीं हुई है, और भारतीय जनता पार्टी यह बताए जो बुलडोजर लेकर के घूमती है लखीमपुर में, जिस तरीके से किसानों को कुचला गया था, उनकी जीप से जान ले ली गई थी, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या उन लोगों को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यह भी बताए कि चुनाव ऐसा डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कि जो अधिकारी दो दिन बाद रिटायर होने वाला था, जो अधिकारी दो दिन बाद रिटायर होने वाला था उस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया लखनऊ का, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे। जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं जिन्हें दो दिन बाद रिटायर होना था, एक साल का एक्सटेंशन हुआ, बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे, आप लड़ाई को क्यों बदलना चाहते हो? यह छापा इसलिए पड़ रहा है कि झगड़ा चल रहा है दिल्ली और लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। याद कीजिए, एक अधिकारी को पहले रिटायर कर दिया गया दो साल पहले, और यह भरोसा दिलाया गया कि आप लखनऊ जाओगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाओगे। वो भागते रहे, दौड़ते रहे, एक कमरा मिला, दूसरा बंगला मिला, भटकते रहे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और अब दिल्ली वालों का मौका था, पहले दिल्ली वालों ने पैदल पैदल चलाया, फिर उनकी फोटो खिंचवाई दूसरी, और फिर दिल्ली वालों ने जो अधिकारी रिटायर होने वाला था दो दिन बाद उसका एक्सटेंशन दे दिया, और एक्सटेंशन दे करके उसे चीफ सेक्रेटरी बना दिया। बताओ ये खबर क्यों नहीं है? इत्र के छापे से बड़ी खबर है कि जो अधिकारी दो दिन पहले रिटायर हो रहा था उसको एक साल के एक्सटेंशन देकर के यूपी का चीफ सेक्रेटरी, और किस लिए? क्योंकि यूपी में चुनाव है। यह घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके, अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चौमीन के ठेले में भीड़ आ जाती जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही थी। आप कहीं चौमीन का ठेला लगा हो वहां ज्यादा लोग दिखाई दे होंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे। और एक समाजवादी रथ देखो छह रथों पर भारी था, इसीलिए छापा पड़ा है। अखिलेश जी कन्नौज में आकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? वैसे छापे का नहीं पता था मुझे कि यहां भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। अब बताओ मैं पुष्पराज जैन जी के यहां जाऊंगा कैसे, जिस इत्र को बदनाम किया इन्होंने। मेरा केवल यह मकसद था कि 2021 बहुत खराब गुजरा, 2021 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दवाई के लिए, किस तरीके से बिस्तर के लिए, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के बिना मिले जान चली गई, बहुत से परिवारों के सदस्यों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई, समय पर अस्पताल और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती। ये मेडिकल कॉलेज ना होता तो शायद बहुत लोगों की जान चली जाती, लेकिन ये भी मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त साधन नहीं दिए। और मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई डिप्रेशन में आकर के वो बताओ छत से कूद करके उन्होंने जान दे दी थी कोविड में, कौन भूल जाएगा? यहां न जाने कितने लोगों की जान गई है कन्नौज में, जिनके पास दवाई नहीं थी, इलाज नहीं था, जिनकी जिम्मेदारी थी इलाज दवाई बिस्तर देना, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष के लोग कहां थे? और सोचिए यही हमारा यहां पर है घाट जो समाजवादियों ने बनवाया था, कन्नौज के लोग जानते होंगे, यहाँ के पत्रकार साथी ने तस्वीरें देखी होंगी, खींची होंगी, रखे होंगे,
कितने लोगों की जान गई है, कितने दाह संस्कार इकट्ठे होते थे इसी घाट पर, यही कन्नौज का मेहंदी घाट, न जाने कितने लोगों की यहां पर दाह संस्कार हुआ है। लकड़ी नहीं पूजी यहां पर, सोचिए आप। हर दिन अखबार में निकलता था, हर दिन में जानकारी हासिल करता था कि क्या मदद करें, कैसे पहुंचाएं, क्या ना कर सकें, लेकिन लोगों के लिए, चिता के लिए ये लकड़ी नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से गरीब लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंगा में बहा दिया। कितनी लाशें बही हैं, चील कौए खाते हमने देखी लाशें। और केवल कन्नौज नहीं, उन्नाव, इलाहाबाद, वाराणसी, आपका गाजीपुर और बक्सर तक यूपी की लाशें पहुंची हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेस करेगी इन चीजों को? कभी भारतीय जनता पार्टी लाशों की बात नहीं कर रही है। बताओ एक भी नेता ने अगर लाशों को लेकर बात की हो, क्या कब्रिस्तान में या शमशान में जगह नहीं मिलती लोगों की? पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। देखिए अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो करी ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अखिलेश जी अभी आपने नए चीफ सेक्रेटरी के विषय में कहा, इससे पहले शर्मा जी भी आए, आपने भी बताया, हम जानना चाहते हैं कि उनके प्रशासनिक दुरुपयोग की बात कर रहे हैं या उनके मिश्रा होने का कोई भय है? ये जो डबल इंजन के सरकार है, ये इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, और अगर दिल्ली से मदद होती तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया होता तो यहाँ सस्ती बिजली होती। ये डबल इंजन की सरकार आपस में एक दूसरे को इंजन टक्कर मार रहा है। अगर उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो उन्होंने उनको भी नहीं जानने दिया कि कब चीफ सेक्रेटरी उनका हट गया। एक सवाल सही जवाब जो जाने वाले चीफ सेक्रेटरी वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत संबंध हो तो उनसे जरूर फोन मिला करके पूछना कि कैसा समय गुजर रहा है अब आपका। और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो अब सब कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा, अब हमारे बाबा मुखर्जी पे कोई कंट्रोल नहीं बचेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा पूरा कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहूंगा कि एक योग्य सरकार चुने, अनुपयोगी को हटाएं और उत्तर प्रदेश को पुनः विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के और हमेशा विकास के लिए काम किया है। ये जो नई नई सड़कें और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, ये अस्पताल जो बन रहे हैं, या जो बिजली का इंतजाम हुआ है, या लैपटॉप बांटा है, या समाजवादी पेंशन बांटी थी, या एम्बुलेंस चलाई थी, या पुलिस के लिए 100 नंबर जो 112 हो गया था, ये तमाम काम समाजवादियों ने जनता को और आने वाली पीढ़ी कैसे हमारी आगे बढ़े उसके लिए काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। एक सवाल कन्नौज के लिए है, ये छापे जो पड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में पड़ रहे हैं, ये तो जग जाहिर हो गया है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ का इत्र व्यवसायी है और जो यहाँ व्यवसाय कर रहा है, उसमें खौफ की लहर भाग गई है। इतनी बड़ी लहर दौड़ गई है कि वो अपनी बिल से नंबर एक का माल भी यहाँ से कहीं डिस्पैच करने में ये डरता है कि कन्नौज का बिल देख करके ये माल कहाँ रोक दिया जाएगा और कहाँ उसका हैरेसमेंट होगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कन्नौज के लोगों से अपील करूंगा कि सच्चे फूलों का व्यापार करने वाले, खुशबू के फूलों का व्यापार करने वाले इन झूठ के फूलों को सबक सिखाएं। अगले जी लगातार आप अकेले, ये केवल बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करते करते ये भूल गए हैं कन्नौज का जो शानदार इतिहास रहा है और इत्र से न जाने कितने लोग जुड़े हैं। इसीलिए मैंने बात शुरू की थी कहां से, जो विकास रोके गए थे वो आखिरकार क्यों विकास रोके गए थे। आज अगर परफ्यूमी पार्क बना होता तो कन्नौज की इत्र का डंका दुनिया में बजता। आज सबसे कीमती चीजें परफ्यूम है, दुनिया के सबसे बाजार में छाई हुई चीजें। अगर हम उस जगह पहुंच जाते कि हमारी वे इत्र, कन्नौज का बनाया हुआ इत्र दुनिया के इत्रों से मुकाबला करते, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
आपके इत्र को नहीं पसंद करते, क्योंकि इत्र लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलता है। कौन कारीगर है उसके अंदर, कहां से भांडे बनकर के आए, कहां से लकड़ी आई, कहां से किसान ने वहां खेत से फूल दिए, किसान किस बिरादरी का है, कारोबार करने वाला किस बिरादरी का है, ये इत्र बनकर के कहां जा रहा है, कोई गुटके में जा रहा है, गुटके में खाने वाला कौन है। तो कारोबार लोगों को जोड़ता है। ये कारोबार की बात कभी नहीं करेंगे, ये झूठ के फूल केवल नफरत फैलाएंगे और ये नफरत की दुर्गंध फैला सकते हैं। लगातार कन्नौज के आप हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंची है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ के लोगों ने इत्र को अपमानित और बदनाम करने का काम किया है। मैं पूरे प्रदेश की जनता से कहूंगा इन झूठ के फूलों को सबक सिखाएं। लगातार आप अकेले कैंपेन कर रहे हैं, चाहे रथ हो चाहे चुनावी जनसभाएं हो, और उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी शाह और योगी जी की तिकड़ी के बीच कहीं आप अकेला फंसा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? सवाल अकेले का नहीं है, सवाल मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, हम समाजवादी लोग जनता के साथ हैं और जनता इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हम जनता के साथ हैं। अखिलेश जी, सवाल ये इसीलिए छापे पड़ते हैं कि प्रेस के लोग जानते होंगे, एक हमारा बहुत शरीफ ईमानदार पत्रकार साथी था जिसने ये दिखा दिया कि दाल में पानी है, दूध में पानी है, उसे जेल जाना पड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नापसंद कर दिया। इनके झूठ का खुलासा बताता हूं मैं आपको। अभी मैं स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, दिल्ली का मैंने बड़ी बड़ी जगह खान मार्केट जैसी जगह पर उनका विज्ञापन देखा, लखनऊ में विज्ञापन देखा, कहते हैं कि लाखों नौकरियां दी हैं, और भाषण में कहा कि 1 करोड़ हमने रोजगार दिए हैं, और अभी विज्ञापन चल रहा है एमएसएमई का, उसमें कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, और कन्नौज के लोग बताएं कि कितनों को नौकरी या रोजगार मिल गया है। कोविड से लोगों की नौकरी छीनी गई है, रोजगार समाप्त हुए, कारोबार ठप हुआ है। यहाँ के व्यापारियों से पूछो, यहाँ के किसान से पूछिए, जो खाद को लेकर के लाइन में खड़ा, ये जितने भी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आ रहे मंत्री या जो बड़े बड़े नेता है, खाद पे क्यों नहीं बोल रहे? कोई खाद पे भाषण सुना उनका? एबीसीडी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अरे भाई, एबीसीडी तो किस क्लास में सिखाई जाती बताओ आप? ये बताओ, केजी की पढ़ाई पढ़ने आए हैं क्या यूपी में? इसका मतलब इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की है, इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की इसलिए अब एबीसीडी सीख रहे हैं। ये बचपन में सीखी जाती है, और अगर एबीसीडी सिखानी है तो लखनऊ में बैठे बाबा मुख्यमंत्री को कम से कम विकास की एबीसीडी सिखा दो। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि इधर मैं इधर अखिलेश जी एक सवाल ये है कि पीयूष जैन का कनेक्शन हमारे प्रायोजित नहीं है। जितने नौजवान बेरोजगार हैं, बीएड, बीपीएड, बीटीसी और टीटी वाले, हम सबका समर्थन कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? पेपर लीक, पेपर नहीं होगा। जो लीक करने वाले हैं वो भाजपा ही हैं, और कोई परीक्षा इनकी पूरी नहीं हुई, बिना परीक्षा रद्द किए हुए। तो मुख्यमंत्री जी बताएं, आखिरकार कौन से कुएं का पानी पी रहे हैं, कौन से भांग का घुला हुआ पानी पी रहे हैं? अखिलेश जी, मेरा सवाल यह है कि पीयूष जैन के बारे में ये हल्ला किया गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, कोई कनेक्शन नहीं निकला, लेकिन बावजूद बीजेपी के रैलीज में पीएम, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई ये बात फैला रहा है, तो ये क्या भविष्य में समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ाने का एक संकेत होगा? देखिए, जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। यहाँ का किसान जिसकी आय दोगुनी होनी थी, यहाँ के व्यापारी जिनका व्यापार बढ़ना था, यहाँ के युवा नौजवान जिन्हें नौकरी रोजगार मिलना था, महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, खाद की बोरी से चोरी का जवाब नहीं है, आज डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो ये जब इनका जवाब नहीं है, इसीलिए ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ये झूठ के फूल को इस बार कन्नौज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सच्ची जनता सबक सिखाने का काम करेगी। और मैंने पहले भी कहा आपसे, हिटलर के जमाने में तो केवल एक मिनिस्ट्री थी, प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री, यहां तो पूरी सरकार वैसी है, झूठ पे चल रही सरकार। आप कन्नौज के लोगों को बताओ कौन सा बड़ा काम किया? कहा कि हम टैबलेट देंगे, अरे 450 तक कौन सी टैबलेट देते रहे? और अभी भी कोई बताए कि किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दे कोई।
तो बाबा मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में कहा कि आज से 1 करोड़ टैबलेट और ये बटन लगेंगे। कहा क्या कि हम लैपटॉप देंगे, दे क्या रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं और स्मार्टफोन दे रहे हैं। अरे स्मार्टफोन तो पहले लिए घूम रहे हैं सब, डेटा कब मिलेगा, वाईफाई फ्री कब मिलेगा? जो योजना बनाई थी, जो तय होनी थी, वो किया नहीं, कुछ नई सबने दिखा रहे हैं। और कहां बांटा जाके, समाजवादियों की सरकार का बनाया हुआ स्टेडियम वहां पे जाकर के बांटा, और जिनके नाम पर स्टेडियम उन्होंने खुद नाम रखा उनका नाम भूल गए, बताइए आप, उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अखिलेश जी एक सवाल ये है, नहीं ये चक्कर में नहीं फंसे हैं, नहीं ब्लाइंड नहीं हम, आप लोग बहुत पुरानी हैं और यहाँ पत्रकार साथी बहुत पुराने लोग हैं। अखिलेश जी एक सवाल ये मेरा, यहाँ बहुत पुराने लोग, ये अलग बात है कि अब कम आ पाते हैं। कहाँ पे? कन्नौज का स्टेडियम जो, समझ गया। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी झूठ फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अधिकारी लोग जो, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष कलीम है, आप जानते हैं जिला अध्यक्ष कौन है भारतीय जनता पार्टी का? जिला अधिकारी, आपको पता ही नहीं है? अभी आपने चुनाव लखीमपुर का देखा था, बताओ कैसे हमारी बहन और माताओं के कपड़े खींचे गए थे। जिला पंचायत के चुनाव में कौन चुनाव लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, जो जिला अधिकारी होते हैं वो लड़ रहे थे। ये जात पात की बात करते हैं, कन्नौज के लोगों बताओ एसपी किस बिरादरी का था? कानपुर में जो बड़ा अधिकारी बैठा था वो किस बिरादरी का था? जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी था वो किस बिरादरी का था? मुख्यमंत्री किस बिरादरी के थे? और एक रात में चारों ही अधिकारी बैठ करके इन्होंने रणनीति बनाई कि कन्नौज का चुनाव कैसे हराया जाए। बताओ रेड कार्ड कितनों पे इशू हुआ था, बताओ हाथ उठा करके, रेड कार्ड कितनों पे इशू हुआ था, हाथ उठाइए आप, रेड कार्ड। मुख्यमंत्री खुद अपने आवास में बैठ करके डीजीपी और कानपुर का जो बड़ा अधिकारी था जो आजकल नोएडा को लूट रहा है वो, और एसएसपी जिसको जाने कहां पहुंचना था वो, इन सब ने मिलकर के रणनीति बनाई थी। अखिलेश जी मेरा सवाल ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कहां वाले छापा, देखिए ये सरकार, देखिए आप आवारा जानवर नहीं, आप सही बताइए किससे परेशान हो? नहीं हम नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप सही बताओगे तो मैं बोलूंगा, नहीं नहीं बोलूंगा, ये बोल नहीं पा रहा, ये सांड से परेशान है, क्यों नहीं बोलते सच, तुम्हें क्या डर है? ये सरकार जाने वाली है, अगले वर्ष नई सरकार आने वाली है, आप क्यों डर रहे हो? अखिलेश जी भाजपा और सपा के इसमें द्वंद में जो इत्र कारोबारियों के ऊपर छापा पड़ गया, अब आपकी तरफ से आपकी सरकार आएगी तो इन कारोबारियों को जो नुकसान है, जो कारोबारी डर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं कन्नौज के व्यापारियों को कहना चाहता हूं कि यहाँ का इत्र न केवल देश में बल्कि उसकी पहचान दुनिया में है, और ये अपनी काबिलियत से करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं, हर एक का एक अपना फार्मूला है, जो कंपाउंड क्रिएट करते हैं, जो परफ्यूमरी है, अगर शमामा 4 लोगों के घर से लोगे, 4 व्यापारियों से लोगे, तो हो सकता है शमामा अलग अलग हो, वो उनकी अपनी मेहनत है, अपनी काबिलियत है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से दुनिया में परफ्यूमरी में काम हो रहा है, और मुझे याद है जब मैं फ्रांस गया था, वहां का एक मेयर था, उनसे मिला था, वहां का इत्र का कारोबार कैसे होता है, लुई विटॉन कैसे कारोबार कर रही है, शैनल एक ग्रुप है वो कैसे काम कर रहा, आपके अर्मिस का जो बड़े, उनके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी, और स्किल डेवलपमेंट में मैंने कई बच्चों को यहां से भेजा था, फ्रांस में जाकर के 2 हफ्ते ट्रेनिंग करके आए थे, लेकिन ट्रेनिंग का क्या फायदा? हमारे बाबा मुख्यमंत्री को इतनी नहीं पसंद है, उन्हें दुर्गंध पसंद है भाई। ये तो सवाल ये है कि इत्र का कारोबार वो आगे बढ़ा सकता है जिसको सुगंध पसंद हो, जिसको सच्चे फूलों से पसंद हो। हमारे मुख्यमंत्री पूछे ये पेड़ का नाम क्या है, वो बता ही नहीं सकते, हाँ सांड कौन सा ये बता सकते हैं। मेरा एक सवाल ये, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो परफ्यूमरी पार्क बन रहा था और जो परफ्यूम का एक म्यूजियम बना रहे थे, वो इसी ने बन रहा था कि यहाँ का कारोबार कैसे आगे बढ़ाया जाए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कन्नौज के साथ भेदभाव हुआ है, कन्नौज की जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा,
ये केवल धोखा दिया इन्होंने। क्या था सवाल? देखिए एमएलसी जो कारोबारी होता है वो कारोबार करना जानता है, अपने कागजों को ठीक रखना जानता है। तो जो बड़े कारोबारी होते हैं, जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं, वो कागज पर सब ठीक है। जो लड़ाई होगी वो कागज की लड़ाई है, सवाल कागज की लड़ाई की नहीं है। अभी जब हमें आपके छापा मार दें तो आप बदनाम तो हो गए ना, आप कोई आरोप लगा दो किसी पे तो बदनाम तो हो गया। जैसे मैंने न्यूज पढ़ी तो न्यूज ये पढ़ी कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है उसका, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि क्या है, गलत है कि सही है। अभी खबर ये आ रही है कि जो पैसा छापा पड़ा था उसने कहा टर्नओवर है मेरा, तो इसका मतलब टैक्स देकर के वापस हो जाएगा पैसा। तो आपने जो चार दिन हमें बदनाम किया या दो हफ्ते हमें बदनाम किया, टीवी चैनल आजकल दुनिया में चल रहा है। भैया मौजूदा समय में आलू का भाव बहुत डाउन चल रहा है, तो ऐसा करना पड़ेगा ट्रॉली में आलू भरो, मुख्यमंत्री आवास में फेंक आओ। ये जब आलू नहीं, आलू की कीमत आप याद कीजिए, इन्होंने कहा कि आलू को खरीदने के लिए हमने बजट रखा है, वो बजट कहाँ है जो आलू के किसानों को मिल जाए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कन्नौज के भाइयों से मैं कहूंगा जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो उनके लिए आलू की माला रखना और आलू की माला उन्हें पहना देना। और अमित शाह हर जहां भी जा रहे हैं हर रैली में यही कह रहे हैं कि अखिलेश जी जितना भी दम लगा लें लेकिन राम मंदिर जो है बन के रहेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी है हमारा, कभी हमने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बता दो आप। ये जो कहावत है ना आ बैल मुझे मार, हम अपने आप परेशानी क्यों ले लें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। अब कोई बताओ संस्था रोक सकती है? कोई सरकार रोक सकती है? कोई सरकार आ जाए वो मंदिर बनने को नहीं रोक सकती। हाँ लेकिन गलत लोग बैठे होंगे तो मंदिर की जमीनों में घपला जरूर कर देंगे। सवाल आपको ये पूछना चाहिए था, आप गलत सवाल पूछे हमसे। देखिए समाजवादी लोग कम समय में अच्छा काम करते हैं। ये एक्सप्रेस वे बनाया नेताजी ने कहा 3 साल में नहीं 22 महीने में बना करके दिखाओ, हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। मैं जिसने ये हाईवे बनाया वही मंदिर बना रहा है, ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल में बना के तैयार कर देते। ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये वोट लेना चाहते हैं। और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, सवाल गलत पूछा आपने। जो यहां के डीएम रहे थे उन्होंने भी वहां जमीन ली है, उन्होंने अपने परिवार के लोगों में भी जमीन ली होगी। आप में पत्रकार साथी हैं, कुछ लोग मोबाइल मिला के फोन पूछना कि भाई कितने एकड़ जमीन ली आपने। आप पूछिए घोटाला क्या कर रही है सरकार, रेस्टियो में घोटाला क्यों कर रही सरकार, सवाल ये पूछना चाहिए, सवाल जनता को भी बताना चाहिए। सर योगी जी आपको, योगी जी आपको और विपक्ष को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं सर, कौन का क्या मतलब? योगी जी वो योगी है क्या? वो योगी नहीं है बेटा, तुम गलती कर रहे हो, उन्हें योगी मत समझना, अखिलेश जी पास मत जाना, वो योगी नहीं है। उनकी भाषा नहीं सुनी तुमने? ये स्टार भारत है, क्या नाम है? SRTV भारत, वो NI वालों से पूछ लो, वो सच बता देंगे कि बाबा जी क्या हैं। और कभी आप भी ऐसे सवाल पूछना उनसे जाकर के। अखिलेश जी जिस मेट्रो की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि नोएडा लखनऊ और अब कानपुर में मेट्रो BJP की देन है, क्या कहेंगे सर आप, आपकी सरकार में? ये झूठ के फूल, ये झूठ बोलने वाले लोग, और कागज के वो कौन सा गाना था, पुराना गाना है, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कुछ इस तरह का है गाना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के अलावा सच बोल ही नहीं सकते। ये बताइए मुरली मनोज जोशी जी थे जब शिलान्यास हुआ, आज के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो उस मौके पर थे। तो जिस मेट्रो का शिलान्यास वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं वो मौजूद थे, मुरली मनोज जोशी जी उस सांसद थे वो मौजूद थे, समाजवादी सरकार और समाजवादी लोग वहां से मौजूद थे। खुद स्वीकृत किए मैंने मेट्रो, मैंने तो बनारस की भी मेट्रो स्वीकृत की थी। आपको सवाल ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि आखिरकार जो स्वीकृत की गई थी बनारस की मेट्रो वो क्यों नहीं बन रही है?
विधानसभा चुनाव में भैया सही बोले चंपू जी, अब उनकी आवाज हो गई, बहुत सवाल उठ रहा है। मजबूत जनता का गठबंधन है, ये जनता का गठबंधन है, और समाजवादी पार्टी के लोग तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता इनको हटाना चाहती है। आप किसी किसान से पूछ लीजिए, खाद लेने गया लाइन में लगा रहा, खाद नहीं मिली उसे, और अगर बोरी मिल गई तो 5 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई बताए किसान भाई, और किसी भी नौजवान को नौकरी रोजगार दे पाए तो बता दो। आप और हम लोग कन्नौज में बैठे हैं, बताओ ये सड़क किसने बनाई है कन्नौज को जोड़ने वाली 4 लेन? समाजवादियों ने बनाई है। ये एक्सप्रेस वे जिससे चलते हैं लोग और कारोबार होता है, और इससे कारोबारियों से पूछे, कभी किसान भाइयों से पूछे। मुझे याद है कि एक कटियार मिले थे मुझे, मैं नाम उनका पूरा भूल रहा हूँ, ठटिया के पास मंडी के पास, वो अपने आलू को ट्रैक्टर से भर करके लखनऊ की मंडी ले जा रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि ये संभव इसीलिए हुआ कि एक्सप्रेस वे बना है। तो अगर एक्सप्रेस वे नहीं बना होता, वो ट्रैक्टर से अपना आलू कभी भी लखनऊ की मंडी में नहीं ले जा सकते थे, और समाजवादी सरकार होती तो ठटिया में जो मंडी बन रही थी वो आलू की मंडी बन रही थी, और आलू से संबंधित क्या कारखाने लग सकते हैं वो लगते वहां पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी कंपनियों की चिप्स मंगाना चाहते हैं, लेकिन कन्नौज में आलू से कोई कारखाना लग जाए जुड़ करके तो वो नहीं लगने देना चाहते। अखिलेश जी, राजनीतिक शिष्टाचार देखने को मिलता है। कल उन्नाव में राजवीर सिंह थे, कल्याण सिंह जी के पुत्र थे, वो लगातार तमाम रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी की मौत होने पर आप 1 किलोमीटर दूर थे, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए। कितने किलोमीटर दूर थे? 1 किलोमीटर बोला। उनसे कहिए कि 10 बजे के लगभग किसने फोन किया था? सबसे पहले फोन किया मैंने, क्योंकि वो दुख और तकलीफ में रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठा पाए होंगे। मैंने फोन किया उनको, उसके बाद ट्वीट किया। जब मैं जाने के लिए वहाँ पहुंचा लखनऊ में, तो वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के अलीगढ़ जा चुके थे, तो उसमें मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि आप लोग इनके कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। और बुआ जी को अपने अगेंस्ट किस लेवल पे देख रहे हैं, और ओबैसी जी से आपकी पार्टी को कितना खतरा है? अरे क्यों इत्र से उधर उधर भाग रहे हो? अरे इत्र पर रहिए, इत्र का कारोबार समाजवादी लोग आएंगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग, ये खुशबू की सुगंध को नहीं समझते। अरे मत पूछो, क्यों पूछते हो भैया? चुनाव करीब है, कब तक प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी का? ये बैठे थे सब प्रत्याशी तो ये ऐलान करा दो, तुम ही कर दो ये सब बैठे थे प्रत्याशी, यहाँ बैठे कुछ उधर भी दिखाई दे रहे हैं हमें, हैं? नहीं नहीं, लेकिन आसपास के भी तो प्रत्याशी आ सकते हैं, तो हमें इस पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे प्रत्याशी। ये इसके लिए हम नहीं कोई जवाब देंगे, आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी, और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए, और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड। तुम पे तो सच बोल दिए होगे तुम कुछ, क्या सच बोल दिए? अब बताइए, ये पत्रकार रो रहा है, परेशान है, और एक पत्रकार मदद नहीं कर सकता इसकी। मैं आपसे कह रहा हूं, ये पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है। डर इतना है कि कोई भी पत्रकार अगर ऐसी मदद करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तुम्हारी मदद हम करेंगे। हाँ, वो साजिश करके लिखवा दिया होगा, पुलिस यही काम कर रही है, तो समझ लो इनके लिए क्या हो रहा है। तो आईटी डिपार्टमेंट भी ऐसे ही काम कर रहा है। तुम पे कौन केस करवा रहा है? यहीं से केस खुल जाएगा, देखो परफ्यूम का। तुम पे कौन मुकदमा करवा रहा है? मंत्री जी का इंटरव्यू ले लिया। अब आप देखिए ये पत्रकार साथी है, मुझे नहीं पता है कि सवाल पूछेगा, ये अचानक पूछ रहा है,
तो मंत्री के सारे पे थाना काम कर रहा है, तो क्या समझते हो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है उसके सारे पे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा? ये सब जानते हैं, ये जितने पत्रकार साथी हैं, जनता बैठी है, अगर एक मंत्री के सारे पर इस निर्दोष पत्रकार पर मुकदमे हो सकते हैं, तो बताओ दिल्ली की सरकार क्यों नहीं मुकदमे कर देगी? जिसके हाथ में होगी पावर वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना जरूरी है। समाजवादी लोगों से मैं अपील करूंगा, साथ में अम्बेडकरवादियों से भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से सफाया करिए। सुनवाई होगी, बहुत सारे पद खाली हैं, बीएड बीटीसी बड़ी संख्या में जो टीटी वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, आपके 69,000 वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। आप इंतजार करिए हमारी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, उसमें नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का बड़ा कार्यक्रम लेकर के आएंगे। सभी पढ़े लिखे नौजवान जो बीएड बीपीएड और तमाम हमारे टीटी वाले हैं, सबको कहीं ना कहीं राहत देंगे। मैं पत्रकार साथियों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी खबर से हमारे बाबा मुख्यमंत्री को होश आ जाएगा। सह्याद्रीची उंची म्हणजे